वैसे तो मेरे शो की हीरोइन है लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छा काम किया है इसने। सॉन्ग का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ही सोलफुल सॉन्ग है, एक रेट्रो फील है इस सॉन्ग में और एक ओल्ड स्कूल जो फील होती है जो म्यूज़िक इन्होंने कंपोज किया है वो अच्छा है काफ़ी। एंड आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ गोना डू वेल। और ऑफकोर्स रीम ने अच्छा काम किया है तो वो भी अच्छी ही लग रही है और अच्छा लगेगा लोगों को सॉन्ग, मुझे पूरी उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा ये सॉन्ग। यार मैं सुबह से शूट कर रहा हूँ तो अभी तक तो मैंने दो बार ही सुना है ये सॉन्ग, लेकिन अब जब रीम का सॉन्ग है तो ऑफकोर्स हम साथ में सुनते भी रहेंगे और देखते भी रहेंगे बार बार। ये आँखों के बारे में आपको बताता हूँ, आई थिंक हमारा जो रابطہ है ना वो आँखों के ऊपर, आँखों से बहुत रिलेटेड है। हमारे आधे रिएक्शंस और आधे इमोशंस आँखों से ही होते हैं, चाहे वो अथर्व के कल्याणी को लेकर हों या फिर वो कल्याणी के मल्हार को लेकर हों या फिर मल्हार और अथर्व आपस में एक दूसरे को गुस्से में देख रहे हों, तो वो रابطہ तो हमारा आँखों से जुड़ा हुआ ही है। और आँखें आई थिंक आपकी एक्टिंग और आपके परफॉर्मेंस आँखों के बिना हो नहीं सकता है, स्टार्ट वहीं से होता है ख़त्म वहीं से होता है, और जो अल्फाज हैं लव्ज़ हैं डायलॉग्स हैं वो सब बाद में आते हैं, फेशियल रिएक्शंस बाद में आते हैं, आँख सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान के फेस की आई थिंक। अगर कोई इंसान नाराज़ है खुश है परेशान है और वो बोले भी ना तो भी आप आँखें देख कर बता सकते हैं कि कुछ तो आज या तो कुछ अच्छा है या कुछ बुरा। एक सॉन्ग है वो सीखो ना नैनो की भाषा पिया, वो ब्रिलियंट सॉन्ग है, वो इसीलिए पसंद है मुझे क्योंकि इट्स टॉकिंग अबाउट किस तरह से आपको आँखों से बात करनी आनी चाहिए और आँखों से भी बात करना चाहिए, वो भी एक लैंग्वेज है। नहीं लव ट्रायंगल तो है नहीं, इसकी अलग हीरोइन है, मेरी अलग हीरोइन है, बहुत जल्द आप लोग जान जाएंगे। लेकिन आई थिंक क्यों हम कलमा को छेड़े जब वो इतनी बेहतरीन तरीके से खुशियाँ दे रहे हैं आपको। हाँ स्टार्टिंग की सिचुएशंस कभी भी, अथर्व तो कल्याणी से प्यार करता ही नहीं था, मल्हार एंड कल्याणी ने इवेंचुअली एक दूसरे से प्यार किया है तो, और जनता को बहुत पसंद है उनकी आपस में जो नोकझोंक और सिचुएशंस के हिसाब से काम चलता रहता है वो ठीक है, लेकिन अथर्व नाउ सीज देम विद अ वेरी डिफरेंट विजन। ठीक है, अभी तो हमारा बच्चा है वो। आई हैव ग्रोन इन अ 5-year-old चाइल्ड और मैं अपने बाबा और अपनी आई देखता हूँ और मैं उनको बहुत इज्जत से देखता हूँ और मैं बहुत प्यार से देखता हूँ। सो अभी तो मैं खुद एज एन ऑडियंस और एज एन आर्टिस्ट वुड नेवर और एज एनी क्रिएटिव पर्सन वुड नॉट लाइक टू टच कलमा बिकॉज दे आर डिलीवरिंग देयर बेस्ट। Bepana is not, Behad is coming. Yeah, I know. जी मुझे जी जो पूरी टीम वो कर रही है वो मेरी पुरानी टीम है, मेरे दोस्त हैं जानने वाले, डायरेक्टर मेरा फ्रेंड है ललित मोहन इज़ डूइंग इट, ऑफकोर्स जेनी कर रही है वो शो, देन शिविन कर रहा है वो शो और अच्छा शो है, आई एम ग्लैड। दूसरी बात ये कि अगर वो जेनी कर रही है तो वो शो अच्छा ही होगा, I'm sure she knows what to do and how to act and how to deliver everything and she's a brilliant co-actress. आपको पसंद आएगा, ज़रूर देखेगा, मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मुझे कुछ स्टोरीज पता है उसके बारे में क्या क्या होने वाला है लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जी बिल्कुल फेमस है एंड आई myself has seen Jennifer Wingate, लाइक मतलब क्या सुंदर लेडी है और इतनी इंटेंस एक्टर है, यू नो व्हेन यू लाइक आँखें she performs with her eyes and when she's that intense look, आप promos में भी देखेंगे या आपने पहले भी दिखा हो, that intensity is crazy. तो आए तो पता नहीं, मैं शायद अगर मैं कर रहा होता तो मैं तो देखता ही रह जाता Jennifer Wingate के साथ। प्लीज़ देखिए सॉन्ग और अच्छा सॉन्ग है, सोलफुल सॉन्ग है, कनेक्ट करेंगे आप, आपको एक ओल्ड स्कूल वाली फील आएगी, पुराना म्यूज़िक है थोड़ा सा जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से कंपोज किया है and I have a feeling you like it and हमें तो पसंद आया तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा ही आएगा। थैंक यू। मैं तो एज अ दोस्त उसकी सिर्फ मजाक उड़ाता रहता हूँ लेकिन लेकिन अभी तारीफ करनी पड़ रही है तो बहुत भारी पड़ रहा है, प्रैक्टिस ही नहीं है मतलब उसकी तारीफ करने की, लेकिन हाँ आदत नहीं पड़ी नहीं, लेकिन रीम की आँखें जेन्यूनली सुंदर है और आई थिंक म्यूजिक के साथ वो बहुत सुंदर लगेगी एंड आई एम जस्ट विशिंग हर लॉट ऑफ लक एंड शी डज वेल इन हर लाइफ।